तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अकेडमी बैक वेंचर्स अकेडमी आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एक थेरेटिकल पार्ट होगा जिसका टॉपिक आपका रहेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ इस टॉपिक में आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस नहीं किया जाएगा सिर्फ थेरेटिकल पोर्शन होगा तो मेरी राय है कि आप इन चीज़ों की नोटबुक बना दीजिए क्योंकि जो मैं पी, -पी बना रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ज़्यादा अंदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैंने पूरा वो चीज़ें निकाली हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो जो टॉपिक्स मैं आज के सेशन में डिस्कस करने जा रही हूँ वो हमारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स आपको बोलूंगी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसकी दो तरह की टाइप्स क्या हैं अलोंग विद एग्जांपल्स यहां से आपको क्लियर हो जाएगा सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और कुछ जनरल हार्डवेयर कंप्यूटर के बेस कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ अवर कंप्यूटर्स हमारे हमारे कंप्यूटर्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में तो आप केयरफुली एंड बी अटेंटिव इन क्लास तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टूडे तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से दैट इज सॉफ्टवेयर पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वो नोट डाउन कीजिए आप सॉफ्टवेयर जो है ये एक प्रोग्राम है ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर इज के ये स्टोर किया जाता है रीड एंड राइट मेमोरी जो हमारी रीड राइट मेमोरी है ये उसी मेमोरी में स्टोर होता है अनदर इम्पॉर्टेंट हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा कोड है ऐसा कोड लिखा हुआ है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है उसको काम कैसे करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट है अब एग्जाम्पल लेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है स्प्रेड शीट्स हमारी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी सॉफ्टवेयर की तो हमारे सॉफ्टवेयर की बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज हमारे सॉफ्टवेयर के हैं जैसे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है जैसे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं एक बार और उसको डिस्कस करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं तो पहला आपका जो पॉइंट आता है दैट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो किसको कहते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जैसे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ जैसे हमारे पास अपना फ़ोन है और फोन में हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं चाहे आप कैमरा करते हैं कैम स्कैनर करते हैं फोटोज को एडिटिंग करने के लिए करते हैं कोई ऐप करते हैं वीडियो मेकर करते हैं वो सारा जो है ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है जैसे वर्ड प्रोसेसर है अब आप कैम स्कैनर करेंगे तो वो सिर्फ आपकी फोटोग्राफ्स लेता है वीडियो तो नहीं बनाएगा ना वो पर्टिकुलर टास्क के लिए है कैलकुलेटर भी पर्टिकुलर टास्क के लिए प्लस माइनस अनदर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं होता है वहां पे हमारे लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि डिजाइन करें इसको और प्रोग्राम लिखें तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को कस्टम बो, सॉफ्टवेयर बोला जाता है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है टास्क ओरिएटेड सॉफ्टवेयर या तो बोलते हैं इसको प्रोडक्टिविटी या इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के तो आप प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं इसके एक पर्टिकुलर रीजन है वो हमें मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन पाते हैं तो ये अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव uh, इससे भी आ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये मोस्ट पॉपुलर सूट है आज की पीसीज का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे बाय मिस्टेक माइक्रोसॉफ्ट हो गया इट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो अनदर सेकेंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉरी सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर तो डिस्कस कर लेते हैं अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो है सबसे पहले इट लाइज बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस ठीक है between, -like है है इनके बिटवीन एक ब्रिज लाइक एक्ट करता करता सेकंड चीज ये मदद कंप्यूटर को रन करने में ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग अवर सिस्टम सॉफ्टवेयर अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके फोन में कोई गेम चल रही है कोई एप्लीकेशन कैम स्कैनर चल रहा है वीडियो मेकर चल रहा है या कोई भी चीज़ उसके लिए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा लेकिन अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है फोन फिर भी काम करेगी अगर कैम स्कैनर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग अवर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये जस्ट आप अपने फोन की एग्जांपल ले लीजिए जो हम नहीं बात करते हैं विंडोज एट डालो फोन में मेरा फोन विंडोज है यूनिक्स ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक प्लेटफॉर्म एक्ट करते हैं ठीक है तो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है इज़ द हार्डवेयर अब हार्डवेयर किसको कहते हैं तो हार्डवेयर हमारे पास है वो चीज कंप्यूटर के रिलेट कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते लेकिन इसको हम टच कर सकते हैं ठीक है ना तो अब एग्जाम्पल स्क्रीन्स की बात करेंगे हम वो एग्जाम्पल है फ्लॉपी पेन ड्राइव्स है प्रिंटर्स हैं वायर्स हैं माउस है यूएसबी पोर्ट है, है, है ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं हमारे हार्डवेयर के वैसे हार्डवेयर अगर देखेंगे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऐसे कंपोनेंट्स uh, हैं कंप्यूटर के बट हम कुछ जनरल हार्डवेयर uh, के बारे में बात करेंगे कुछ कैटेगरीज की uh, जैसे सबसे पहले मदरबोर्ड ये एक हार्डवेयर है ये तो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले से सीपीयू में मदरबोर्ड प्रेजेंट है जिसपे आईसी चिप्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सब किस पे होते हैं इंटीग्रेट मदरबोर्ड uh, पे अब अनदर इंपॉर्टेंट जो है हमारा दैट इज पावर सप्लाई जिसको हम पीएसयू बोलते हैं इसकी फुल डेफिनेशन दैट इज पावर सप्लाई यूनिट पावर सप्लाई यूनिट का काम क्या है ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को और इसके अलावा इम्पॉटेंट काम है जो करंट हमारे पास होता है एसी पावर दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट को ये चेंज करता है डीसी में डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो हमारा लो वोल्टेज और यूजेबल फॉर्म में होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क आती है CD, DVD, USB, flash, dry, हैं, storage. Storage हैं, हमारी फ्लॉपीस जैसे हार्ड डिस्क हम डिस्कस कर चुके हैं फ्लॉपीस भी डिस्कस कर चुके हैं ये हमारा तो साउंड कार्ड हमारा क्या है हमारे कंप्यूटर को अगर हम इनपुट देते हैं ना माइक्रोफोन से तो आउटपुट हमें मिलता है साउंड कार्ड की मदद से ठीक है जैसे अगर हम बात करेंगे हम प्ले स्टोर में कभी सीधा स्पीकर से बोल देते हैं कि ये प्ले कर दो वो प्ले कर दो तो आउटपुट भी कभी हमें स्पीकर की आवाज़ में आता है दैट इज़ द साउंड कार्ड ये तो वो मदरबोर्ड में ऑलरेडी बिल्ट होता है हर फोन का अपना साउंड होता है अपना स्पीकर होता है सब कुछ लेकिन हम एडिशनल भी इसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं बाकी कर सकते हैं चीज़ें कनेक्ट जैसे हम चाहें जिस क्वालिटी का हम चाहें ठीक है तो माइक वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं वो होता है एक्सटर्नल जो हम इंस्टॉल करते हैं ये देखिए आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा बैक साउंड कार्ड है यहाँ पे पोर्ट्स लगे हैं इसमें हम डाल सकते हैं अनदर इंपॉर्टेंट uh, जो टॉपिक है हमारा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो कंप्यूटर्स को हमने क्लासीफाई किया है कुछ ग्रुप्स में तो आप बी uh, अटेंटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे सुपर कंप्यूटर्स में आपको बहुत सारे एग्जाम में पॉइंट्स फंस सकते हैं सुपर कंप्यूटर नाम से पता चलता है ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है और बहुत एक्सपेंसिव है मतलब ये हम लोग यूज नहीं कर सकते यूजली साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं तो हमारे बस का तो है नहीं अब डेवलप कब हो गया था नाइनटीन हंड्रेड एट्टीज में एटीज मतलब हमें परफेक्ट डेट नहीं पता एट्टी से लेके एटी नाइन तक अब ये सोल्व करता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बट जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कॉम्प्लीकेट प्रॉब्लम को सोल्व करता है अनदर ये इतना फास्ट है कि ये एक सेकेंड में वन ट्रिलियन कैल्कुलेशन करता है तब खुद सोच सकते हैं दैट इज़ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेन्स की वन ट्रिलियन एक सेकेंड में वो किससे पॉसिबल है इसमें जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स है वो बहुत ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं किस फैशन में दैट इज अ पर्ल फैशन में तो काम कहाँ आता है सुपर कंप्यूटर कहाँ यूज होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग में न्यूक्स में सॉरी ऑनलाइन बैंकिंग में अब वेदर फॉरकास्टिंग हम करेंगे तो हम इससे फ्यूचर देखते हैं मतलब दस दिन के बाद मिनट के बाद क्या होगा, वो सारा हम वेदर से देखते हैं वो सारा वेदर फॉरकास्टिंग है ना वो ये इंजीनियर डिपार्टमेंट होता है

सबसे पहले देखेंगे तो इनका साइज काफी बड़ा था बट एज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स तो थोड़ा कम ही था सुपर कंप्यूटर्स का साइज तो बहुत ही ज्यादा होता है बट मेन फ्रेम का इससे थोड़ा सा हल्का कम है तो अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स उससे थोड़ा कम है अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर साइज़ बड़ा है तो इसको एक बहुत बड़ा क्लीन रूम चाहिए जिसमें आयर कंडीशनर्स लगे होंगे क्यों आयर कंडीशनर इसलिए क्योंकि ये काफ़ी हीट जनरेट करता है जिस वजह से इसको ठंडक चाहिए ठंडा सा एटमॉसफेयर चाहिए तभी एयर कंडिश्नर चाहिए तो मेन फ्रेंड कम्प्यूटर में, में टर्मिनल्स की बात करेंगे तो दो टर्मिनल्स का यूज़ करते हैं डम टर्मिनल पहला टर्मिनल होता है इसको हम डम तभी बोलते हैं क्योंकि इसको अपना सीपीयू और अपनी स्टोरेज तो बिल्कुल भी नहीं होती है तभी डम टर्मिनल है अनदर टर्मिनल इज़ द इंटेलिजेंट टर्मिनल जैसे नाम से पता चल रहा है काफ़ी इंटेलिजेंट टर्मिनल है दैट मीन्स इसको अपना प्रोसेसर खुद का होता है और ये कोई भी काम खुद से कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द अदर्स ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की थोड़ी सी डाइग्राम है तो आप देख लीजिए ये किस कदर बड़ा कंप्यूटर होता है तो ये भी ज़्यादातर हम नॉर्मल लोग यूज़ नहीं करते हैं ये काफ़ी इंजीनियर एंड साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट इज़ द मिनी कम्प्यूटर्स मिनी कम्प्यूटर क्यों बोला गया नाम से ही पता चलता है मिनी का मतलब स्मॉल इसके नाम की वजह से इसका नाम मिनी कंप्यूटर रखा गया पहली इंपॉर्टेंट बात तो इसका साइज काफी स्मॉल है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्पीड काफी लो है अनदर कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट भी आप थोड़ी लो हो गई है एज कम्पेयर टू अदर टू कैटेगरीज तो इसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक से जा रही है अब अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे मिनी कंप्यूटर्स को और किस नाम से जाना जाता है दैट इज़ मिड रेंज कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स भी अटेंटिव क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है इसी इन ही में से दैट इज़ अब सेकेंड ये यूज़ कहाँ होता है दैट इज़ बिजनेस में यूज़ होता है एंड एजुकेशन के लिए बच्चे यूज़ कर सकते हैं ये मिनी कम्प्यूटर बहुत बेनिफिशल है उनके लिए तो पहला जो मिनी कम्प्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था वो मिड नाइनटीन में हुआ था 1960s में हुआ था एंड किया किसने था DEC ने दैट इज द फुल फॉर्म डिजिटल इक्विपमेंट एंड कॉर्पोरेशन तो इसने सबसे पहले मिनी कंप्यूटर क्या किया था डिजाइन आपको स्ट्रक्चर से बता देती हूँ ये है इसका थोड़ा सी डायग्राम ऐसा लगता है हमारा मिनी कंप्यूटर तो ये है अनदर हो गया ये मिनी कंप्यूटर के बारे में दैट इज अवर माइक्रो कंप्यूटर्स अब देखते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है ये पर्सनल कंप्यूटर्स को शार्ट में हम पी बोलते हैं अगर साइज़ की बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स की तो इसके इसका साइज काफ़ी स्मॉल हो गया था एज़ कम्पेयर टू अन अदर कैटेगरीज और आई का पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था वो डिज़ाइन किया गया था नाइनटीन में और उसका नाम रखा गया था आई बी और आई बी दिखता कैसा था वो आपको मैं बता देती हूँ ये देखिए ये था हमारा माइक्रो कंप्यूटर ये है आई बी एम्स पी सी जिसकी डायग्राम आप देख रहे हैं तो फर्दर माइक्रो कंप्यूटर्स के भी चार डिफरेंट टाइप्स हैं अलग टाइप्स अब माइक्रो कंप्यूटर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो इसका टाइप है दैट इज़ लैपटॉप कंप्यूटर ये लैपटॉप कंप्यूटर तो सब आज यूज़ करते हैं सबको पता है कैसा दिखता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द लैपटॉप कंप्यूटर इसको हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं अगर साइज़ की बात करें तो काफ़ी स्मॉल है एटी फाइव बाई अलेवन इंच ये इसका साइज है हमारे नॉर्मल लैपटॉप का और लैपटॉप क्यों लैपटॉप क्यों बोलते हैं लैप का मतलब गोद दैट इज़ लैप हम इसको अपनी लैप में भी रख सकते हैं गोद में भी दैट्स वाई इसका नाम रखा है लैपटॉप और ये शक्ल से दिखता कैसे है ये तो सब लोग ही जानते हैं स्टिल एक डायग्राम इज़ मोर इम्पोर्टेंट तो ये हमारा लैपटॉप है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं और ये आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में अनदर माइक्रो कम्प्यूटर जो है दैट इज़ अवर वर्क स्टेशन तो वर्क स्टेशन के बारे में देखते हैं इसकी फीचर्स भी सेम हैं जैसे हमारे पीसी के होते हैं लेकिन इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो है इक्विवैलेंट टू मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड इसकी मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर है यूज़ कौन करता है इसको इंजीनियर लोग करते हैं साइंटिस्टस करते हैं आर्किटेक्ट्स करते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन डिज़ाइनर्स करते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग वर्क स्टेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये पावरफुल भी हैं प्रोसेसर्स काफ़ी एडवांस हैं रैम की बात करें और स्टोरेज की तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पर्सनल कम्प्यूटर्स दैट इज़ पी सी तो वर्क स्टेशन हमारे ऐसे दिखते हैं ये आप डाइग्राम से देख सकते हैं मोर क्लियरली ये हमारा सेकेंड था अब थर्ड ग्रुप uh, जो हमारे uh, आता है अंडर द ग्रुप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स दैट इज़ द नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर सबसे पहले इसकी स्पीड इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो लेस है मेमोरी भी बहुत कम है एंड स्टोरेज भी और ये डिज़ाइन ज़्यादातर किया जाता है नेटवर्क इन्वामेंट्स के लिए अगर किसी कंपनी में हमें नेटवर्क जैसा इन्वामेंट बनाना है तो वहाँ कुछ बाकी काम स्टोरेज एंड ऑल काम के लिए हम नेटवर्क कंप्यूटर्स यूज़ नहीं करते हैं ये लगता कैसे ऐसे ये एक नेटवर्क टाइप हमने बनाया है जहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है तीन चार पाँच कंप्यूटर्स तो यहाँ पर यूज़ होते हैं ये कंप्यूटर्स ये भी माइक्रो कंप्यूटर के टाइप हैं अनदर फोर्थ कैटेगरी जो आती है दैट इज़ एंड लास्ट कैटेगरी हैंड हेल्ड कम्प्यूटर्स तो हैंड हेल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हो गया था मिड नाइन्टी हंड्रेड नाइन्टीज़ में और ये फिट एक हाथ में भी हो सकता है तभी इसको हैंड हेल्ड बोलते हैं मतलब ये कंप्यूटर हम हाथ में रख सकते हैं आराम से और ये इंट्रोड्यूस हुआ था मिड नाइन्टीन हंड्रेड नाइन्टीज़ में अब इस कंप्यूटर के दो और नाम हैं पहला नाम है पाम टॉप इसी को हम हैंड हेल्ड को बोलते हैं ंड हेल्ड कंप्यूटर्स इज मिनी नोटबुक कंप्यूटर इसको हम मिनी नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं तो ये दो नाम है हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के अनदर इम्पॉर्टेंट है कि ये ज्यादातर डिज़ाइन किया गया था मोबाइल इंजीनियर्स के लिए मोबाइल इम्प्लॉयज के लिए मतलब जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं घूमने फिरने का काम जैसे पार्सल डिलीवरी जो पार्सल को डिलीवर करता है बॉय तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कंप्यूटर उसमें अपने लिस्ट तमाम चीज़ें स्टोर रख सकता है एग्जाम्पल आएगा पर्सनल डिज, डिज, डिजिटल असिस्टेंस और सेलुलर टेलीफोन और ये हमारा ऐसा कुछ दिखता है हमारा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो हमारे हैंड में फिट हो जाता है ये भी माइक्रो कंप्यूटर की टाइप है And thanks so much for watching uh, this video. That's all for today.